बाबा भीमराव अंबेडकर का मनाया गया 128वां जन्म दिवस। रामपुर जिला चिकित्सालय में बड़ी ही धूमधाम से सरकारी कर्मचारी और जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने मिलकर बड़ी ही धूमधाम से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का 128वां जन्म दिवस मनाया। साथ ही उनके जन्म दिवस के मौके पर जिला अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने और डॉक्टरों ने उनकी प्रतिमा पर फूलमालाएं भेंट की, साथ ही केक काटकर उनका जन्म दिवस मनाया गया, जिसके उपलक्ष में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए सभी लोगों को बताया गया कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया था, जिसकी वजह से आज उन्हें बड़े ही आदर सम्मान के साथ उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ये आज जो प्रोग्राम किया गया है यहाँ पर, क्या मामला है? जैसा कि सब लोगों को विदित है कि हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की 128वीं जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में हमारे सीएमएसएफ के निर्देशन में और जो भी मेरे सब वरिष्ठ साथी हैं उन्हीं के निर्देशन में आज इस जयंती का आयोजन किया गया है। और सभी को इस जयंती के अवसर पर मैं बधाई की दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। है मुझे बड़े खुशी के साथ ये बताने की मतलब इच्छा जाहिर हो रही थी, मैं बता रहा हूँ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज मैंने दैनिक जागरण पढ़ा और अपने साथियों से पूछा, उन्होंने अमर उजाला पढ़ा, किसी में भी बाबा साहब की कोई किसी तरह का समाचार नहीं दिया गया। ये एक मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा मुझे दाग लग रहा है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं पक्षपात को मीडिया कार्य कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जो सिंबल ऑफ नॉलेज जिसको हमारे विदेशी लोगों ने नवाजा है और हमारे भारतवर्ष के वो सबसे विद्वान रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व को भूल जाना ये बड़े शर्म की बात है मीडिया के लिए। तो इसमें मीडिया का क्या दोष है? मीडिया का दोष ये है, मीडिया के दायित्व होते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, इतिहास क्या है, इतिहास दोहराया जा रहा है या नहीं दोहराया जा रहा है, उसको कोई याद कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमारे मीडिया की जिम्मेदारी होती है। तो आप क्या मानते हैं इस चीज को? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं द्वेष भाव पूर्ण से ये बाबा साहब को बिल्कुल पत्रकारिता से हटा दिया गया है, समाचार पत्रों में उनको कहीं स्थान नहीं दिया गया है।